आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप लाइटरूम ऐप का यूज करके अपनी फोटो के अंदर ऐसे ब्राउन कलर डाल सकते हो अपनी फोटो के अंदर। देख पा रहे हो कि डार्क ब्राउन सा टोन एंड साथ ही साथ सॉफ्ट ब्लू सा भी टोन डाल सकते हो, फोटो बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। एंड इस टाइप का फोटो आप भी अपना एडिट कर सकते हो सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज करके। बैकग्राउंड को भी ब्लर कर सकते हो, फेस स्मूथ, फेस वाइट, एवरीथिंग आप कर सकते हो सिर्फ लाइटरूम ऐप में। बहुत ज्यादा आसान होने वाला है ये वीडियो, पूरा देखिए 100% आप सीख जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस आप देख पा रहे हो कि हमने इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लिया है। आपकी भी कुछ इस टाइप की फोटो हो तो एकदम बढ़िया तरीके से एडिट हो सकती है, जिसमें कुछ इस टाइप का नेचुरल सा टोन हो, जिसमें बैकग्राउंड में ग्रीन कलर हो, तो ज़्यादा परफेक्ट होगा आपकी फ़ोटो को एडिट करने में। सबसे पहले गाइस एडिट के टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे इफेक्ट्स के टूल में, यहाँ टेक्सचर की वैल्यू बढ़ाकर +6 कर लेना है, क्लैरिटी को +4 कर लेना है, देन DH को राइट साइड में बढ़ाना है एंड इसे 8 कर लेना है +8। देन आपको विग्निट के टूल में जाना है एंड इसे लगभग आपको माइनस साइड रखना है, माइनस साइड में लगभग -19 -19 कर लेना है। देन आपको मिड पॉइंट को भी कम करना है, फेदर की वैल्यू राइट साइड में बढ़ा लेना है, ठीक है। ये सेटिंग आपको अपनी फोटो के अंदर कर लेना है। अब आपको जाना है लाइट के टूल में, यहाँ कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू बढ़ाकर +8 कर लेंगे, देन हाईलाइट्स को माइनस साइड रखेंगे एंड इसको लगभग -37 कर लेंगे। यहाँ आपको शेडोज मिलेगा, शेडोज का वैल्यू आपको बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज करना है, लगभग +13। देन आपको वाइट्स की वैल्यू कम कर लेना है, वाइट्स की वैल्यू -32। देन यहाँ ब्लैक्स को बढ़ा देंगे राइट साइड में एंड इसको +22 कर लेंगे। आप देख पा रहे हो कि अभी फोटो दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि फोटो के अंदर ना हमने सिर्फ अभी लाइट का एडजस्टमेंट किया है एंड कुछ इफेक्ट्स को ऐड किया है। देख पा रहे हो, मैं आपको एक बार फोटो का बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। ये बिफ़ोर की फ़ोटो है एंड ये आफ्टर की। आप फोटो के अंदर नोटिस कर पा रहे होंगे कि फ़ोटो पहले ज़्यादा हाईलाइट्स था फोटो के अंदर, मतलब फ़ोटो में एक्सपोजर भी ज़्यादा था। अभी सब कुछ कंट्रोल है, फ़ोटो के अंदर ना एकदम थोड़ी सी डार्क टोन जो है क्रिएट हो चुकी है, लेकिन हमें तो फ़ोटो के अंदर ज़्यादा ही डार्क टोन चाहिए। वीडियो के एंड तक देखिए, बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाएंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिए तो ये पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अब जाएंगे कलर के टूल में, कलर ग्रेडिंग फोटो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले टेम्प की वैल्यू बढ़ा देंगे राइट साइड में एंड इसको प्लस कर लेंगे 14, +14 आपको कर लेना है। देन टिंट की वैल्यू बढ़ाकर +6 कर लेंगे, ठीक है। ये सेटिंग आप ध्यान से देखिए, जो मैं सेटिंग कर रहा हूँ सेम आप भी अपनी फोटो के ऊपर अप्लाई कीजिएगा, आपकी भी फोटो सेम टू सेम एडिट हो जाएगा। अब आपको जाना है मिक्स टूल के अंदर। मिक्स टूल लाइटरूम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि यहाँ पे पूरे 8 कलर्स आपको मिल जाते हैं, जिसका यूज करके आप अपनी फोटो को एकदम बेहतरीन तरीके से एडिट कर पाओगे। आपको जाना है सबसे पहले ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर का सेचुरेशन कुछ इस टाइप से आपको कम कर लेना है, ठीक है। आप देख पा रहे हो सेचुरेशन -41 कर लेना है। देन आपको ल्यूमिनेंस की वैल्यू +8 कर लेना है बढ़ाकर राइट साइड में। अब आपको इसकी ह्यू को भी राइट साइड में बढ़ाकर +8 कर लेना है। देन आपको जाना है यहाँ मैजेंटा कलर में, इसका सेचुरेशन पूरा -100 कर लेंगे, पर्पल कलर का भी -100 कर लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ब्लू कलर है, ब्लू कलर का भी -100, एक्वा कलर का भी -100। अब आपको ग्रीन कलर में जाना है, ग्रीन कलर का ह्यू आपको पूरा लेफ्ट साइड की तरफ कर लेना है। आप देख पा रहे हो कि फोटो के अंदर ना एकदम येलो सा टोन क्रिएट हो गया, बाकी हमें येलो टोन फोटो के अंदर नहीं रखना, हमें तो डार्क ब्राउन सा टोन रखना है। इसके लिए इसका भी सेचुरेशन हम -100 कर लेंगे। अब आपको येलो कलर में जाना है, इसकी ह्यू को पूरा लेफ्ट साइड की तरफ करना है, साथ ही साथ इसका सेचुरेशन लगभग हम इतना कम कर लेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि सेचुरेशन मैंने -56 कर लिया। अब इसका ल्यूमिनेंस आपको कम करना है, ल्यूमिनेंस -12 कर लेंगे, ग्रीन का भी ल्यूमिनेंस माइनस साइड रखेंगे एंड इसको -10 कर लेंगे। अब आपको रेड कलर में जाना है, रेड का सेचुरेशन कुछ इस टाइप से बढ़ा लेना है, आप देख पा रहे हो जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ इसकी ह्यू को थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ कर लेंगे एंड यहाँ से इसको डन कर लेना है। आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, आपको यहाँ एक ग्रेडिंग का टूल मिलेगा, इस पर टैप करना है एंड यहाँ जाना है हाईलाइट्स में। हाईलाइट्स में आपको कुछ इस टाइप से कलर को ऐड करना है, लाइक ब्लू कलर को ऐड करना है थोड़ा सा। देन आपको शेडोज में जाना है, शेडोज में भी कुछ इस टाइप से ही ब्लू कलर को ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। अब मिड टोन्स में जाना है, मिड टोन्स में भी हमें ब्लू कलर को ही ऐड करना है, बट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, इतना एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब आपको यहाँ सिंपल से डन पे क्लिक करना है। देख पा रहे हो कि हमारा फोटो के अंदर ना इतना काम हो गया। अब जाना है यहाँ से डिटेल्स के अंदर, यहाँ अमाउंट बढ़ा देंगे शार्पनिंग की एंड देख पा रहे हो कि शार्पनिंग मैंने +54 कर लिया। नॉइज रिडक्शन को आपको बढ़ा लेना है एंड इसे लगभग 23 के आसपास बढ़ा लेना है। कलर नॉइज रिडक्शन में जाना है, इसकी भी वैल्यू बढ़ाकर 38 कर लेंगे। आप देख पा रहे हो इसकी फ़ोटो के अंदर ना अभी कितना ज़्यादा सही लग रहा है। अभी हम कलर नॉइज रिडक्शन को थोड़ा सा कम कर दिए, क्योंकि फ़ोटो उतना अच्छा नहीं लग रहा था।
अभी गाइस देखो बिफोर की फोटो एंड ये देखो आफ्टर की फोटो। आप देख पा रहे हो गाइस कि फोटो के अंदर डार्क ब्राउन सा टोन क्रिएट हो गया है एंड फोटो अभी दिखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो कुछ इस टाइप से आप भी अपनी फोटो के अंदर इस टाइप का टोन क्रिएट कर सकते हो। बाकी हम जाएंगे एडिट के ऑप्शन में, यहाँ जाएंगे कलर में, दोबारा से जाते हैं मिक्स टूल के अंदर, यहाँ जाएंगे येलो कलर में एंड इसका सेचुरेशन आप देख पा रहे हो कि मैंने इतना कम किया। इसको अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो कि आपको कितना कम रखना है, ठीक है। इसके ल्यूमिनेंस थोड़ा और कम कर लेते हैं एंड देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी एकदम परफेक्ट लग रहा है। इसका सेचुरेशन थोड़ा कम करते ही देख पा रहे हो कि अभी फोटो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से गाइस सिंपल से डन पे क्लिक कर लेना है एंड जैसे आप डन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ एक ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको अपने बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो इसकी अमाउंट आपको पूरा बढ़ा देना है, अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी रखना है आप रख सकते हो। जैसे कि हमने पूरा 100 कर दिया, अभी हम चेक करते हैं कि बैकग्राउंड कितना अच्छे तरीके से ब्लर होता है। तो आप अपनी फ़ोटो के ऊपर इसको अप्लाई करके देख सकते हो। मैं देख पा रहा हूँ कि ऑलमोस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर हो ही गया एंड देख पा रहा हूँ कि बैकग्राउंड ब्लर कितना अच्छे तरीके से एकदम परफेक्टली हो गया है फ़ोटो के अंदर एंड फ़ोटो बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। इसकी अमाउंट थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, लगभग यहाँ पे कर लेंगे 69 एंड यहाँ से गाइस इसको डन कर लेते हैं। अब देख पा रहे हो कि फ़ोटो में बैकग्राउंड भी ब्लर हो गया और फोटो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। अभी हम जाएंगे इफेक्ट्स के टूल में दोबारा से, विग्निट को थोड़ा सा और कम कर लेंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हो जैसे मैंने कम किया, यहाँ मिड पॉइंट को भी कम कर लेता हूँ एंड यहाँ पे देख पा रहे हो कि अभी फ़ोटो एकदम परफेक्ट लग रहा है। बाकी गाइस आपको इस ऑप्टिक्स के बटन पर क्लिक करके इन दोनों को ऑन कर लेना है एंड इस फोटो को अब आपको शेयर के आइकॉन पर क्लिक करना है एंड शेयर के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस कर लेना है। ये फोटो आपकी गैलरी के अंदर इजीली सेव हो जाएगी और इस फोटो को एडिट करने के लिए मैंने सिर्फ एक लाइटरूम ऐप का यूज़ किया है। आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा। तो गाइज कुछ इस तरीके से आप भी अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो सिर्फ लाइटरूम ऐप का यूज़ करके। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।